हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये मेरा पहला यूपीएससी स्टडी ब्लॉग है। पहले मैं टू डू लिस्ट अपनी बना लेती हूँ। 3 घंटे इकोनॉमी, कभी कभी 2.5 घंटे भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कितने टाइम का लेक्चर है। इसके बाद मैं 1 घंटे पॉलिटिक्स, फिर मैं घटना चक्र पढ़ूंगी। 2 घंटे एनवायरमेंट, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं दृष्टि एनवायरमेंट प्रेफर करती हूँ। और 2 घंटे हिस्ट्री। टोटल 8 घंटे का शेड्यूल है जो कि मुझे पूरे दिन में कवर करना है। आप देख सकते हो मैंने टू डू लिस्ट अपनी कंप्लीट कर ली है। और मॉर्निंग का 6 बज चुका है, सो मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। सो चलते हैं। सो अभी आई एम गोइंग टू मेक सैंडविच, बेसिकली इट्स अ वेज सैंडविच। आप देख सकते हैं इसमें, अब मैंने इसमें सॉस ऐड कर दिया है। आफ्टर दैट इसमें अनियन, टोमेटो एंड कुकम्बर और सैलड पत्ता, मैं जल्दी वो ऐड करूँगी ना। बेसिकली मेरा मॉर्निंग का यही ब्रेकफास्ट होता है, समटाइम्स पोहा सैंडविच। सो देखिए मैं बना रही हूँ, ये मैंने सैलड पत्ता ऐड कर दिए। अब मैंने इसमें कुकम्बर रखा, आफ्टर अनियन कुकम्बर के बाद टोमेटो अनियन। ये देखिए मैंने पहले से कटिंग करके रखा था। सैंडविच तो तुरंत बन जाता है, 10 मिनट से भी कम लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। वैसे वाइट ब्रेड की जगह आपको ब्राउन ब्रेड करके तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये थोड़ी मेयोनीज भी मैं ऐड कर रही हूँ, मेयोनीज थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, हेल्दी तो नहीं है बट टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो कभी कभी नॉर्मल सैंडविच बना, कभी कभी नॉर्मल सैंडविच बना लेती हूँ, कभी कभी मेयोनीज ऐड करती हूँ। ये देखिए प्रिपेयर हो रहा है, मैंने इसको बिल्कुल नहीं रख दिया है। 5 से 6 मिनट में, 5 से 6 मिनट में ये रेडी हो जाएगा, 3 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। सो मेरे साथ और भी हॉस्टल में गर्ल्स अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हैं। रेडी हो चुका है, अब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। बज गए हैं, 15 मिनट्स का मैं ब्रेक लूँगी। इसके बाद मैं पॉलिटी की घटना चक्र शुरू करते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटी घटना चक्र। इसमें पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं। मुझे इसको सिर्फ 1 घंटे का टाइम देना है, क्योंकि यूपीपीएससी का ट्रेंड रहा है क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। सो घटना चक्र करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी कर ली मैंने, सुबह के 11:30 बज चुके हैं। अब मैं एनवायरमेंट शुरू करूँगी। सो 10-15 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, 12 बज गए हैं। अब मैं एनवायरमेंट शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत ही लेंदी है और स्कोरिंग भी है, सॉरी लेंदी नहीं है, स्कोरिंग है। जैसे कि बिग फोर होते हैं ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। अगर आप ये चारों कर लेते हैं उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो एनवायरमेंट बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। मैंने सारे चैप्टर्स की आप देख सकते हो इसमें चेकलिस्ट बना ली है, और मुझे ये पहला चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट करना है। आप पहला चैप्टर देख सकते हो, इसमें मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। पहला चैप्टर में पर्यावरण है, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है। इसका पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, जिससे कि आपके सामने क्वेश्चन आए और आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। इसके अलावा आपको बायोलॉजी की 12th क्लास की जो NCERT होती है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लास्ट के 4 चैप्टर आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप जहाँ भी रहते हो आप ऑनलाइन भी उसे मंगा सकते हो, या फिर ऑनलाइन उसकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैंने जो फॉलो किया था, मैंने यूट्यूब में एक चैनल है, मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी लिंक दे दूंगी सर्च करके कि कौन सा चैनल है जिससे मैंने लास्ट 4 चैप्टर कंप्लीट किए थे। उन टीचर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था, आप उनसे ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा हार्ड कॉपी भी अपने पास रख सकते हो, जिसके थ्रू आपका रिविज़न प्रॉपर हो जाएगा।
सो आगे हम अपनी इन्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, जो कि मुझे 2 घंटे में पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है। इन्वायरमेंट मैंने डन कर लिया है, अब लंच टाइम हो रहा है, सो मैं लंच करने जा रही हूँ। 2 घंटे का ब्रेक भी लूँगी, कभी कभी रेस्ट कर लेती हूँ, या फिर मेरी नीज है उसके साथ में प्ले कर लेती हूँ। मैं घर पर हूँ कोविड की वजह से, कोविड ठीक हो जाए थोड़ा, कोरोना के केसेस कम हो, फिर मैं मुखर्जी नगर जाऊँगी। सो मैं चलो आपको अपना हैप्पी प्लेस विज़िट करवा देती हूँ। मेरे प्लांट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर शाम को थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड कर लेती हूँ। एंड शाम के 7 बज चुके हैं और मेरा लास्ट सेशन रह गया है एंशियंट हिस्ट्री का। मैं पहले एक्चुअली इसे पूरी कंप्लीट कर चुकी, पूरी पढ़ चुकी हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास बाई रामचरण शर्मा। अब मैं बस इसको रिवाइज करने जा रही हूँ, सो मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगी। दो घंटे मैंने हिस्ट्री के 3 चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं, सो अब हिस्ट्री डन, डिनर टाइम। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।